आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने के लिए अल्लाह भी चाहिए और ऊंट बांधने के लिए ग्राउंड रियलिटीज पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी चाहिए, लोगों को समझने का तरीका चाहिए। हर बंदा एक यार्ड स्टिक से नहीं चलाया जा सकता भाईजन। तो अगर आप लोगों को नहीं जानते, कहीं पर गीत अलग तरीके से बिकता है, कहीं पर डील अलग तरीके से होगी, कहीं सियासतें अलग तरीके से गर्म होनी, अगर आपने अपने आप को पहुंचाना है कहीं पर, तो एंड में अगर मां का शरीका भी घर नहीं आना और प्यो का शरीका भी घर नहीं आना और लोगों ने फोन ही नहीं करने, सारे गंद गलातों के बाद भी लोग आपके साथ नहीं बैठे हुए और आप अपने आप पे इतना रिजिड स्टैंड लेके बैठे हुए कि क्योंकि मैं मुनाफिकों के साथ चल नहीं सकता, फाइन, टॉक टू द हैंड, मुझे किसी से रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, तो ये कैसी जिंदगी है एक मुसलमान की कि लोग ही नहीं है उसके इर्द गिर्द। और लोगों की फिक तो शरीयत से साबित कर देते हैं कि आपने फरमाया कि वो ज्यादा पावरफुल मुसलमान है जो लोगों में जाता है, उनके कल्चरल डिफरेंसेस, उनकी जात, उनकी बरादरियां, उनकी हैसियतें, उनकी माशी माली हर लिहाज से जो इफ्तराक है उसकी बेसिस के ऊपर उनका तंज, उनका मिजाज, उनकी ग्रीटिंग्स, उनकी कंडोलेंसेस, हर जहां पे जो फर्क है उनको बर्दाश्त करता है, कम्युनिटी में जेल्ड इन रहता है, बनिस्बत उस मुसलमान के जिसे एक हिट लगती है मुंह से जानता है तो साइड से जाके बह जाता है। उसके लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए, यू नीड अ बिग हार्ट फॉर दैट, अला वही अलकल, दिल चाहिए आपको उसके लिए। तो लोग नहीं समझ आए, फैसला आपका होगा, लोग कंट्रोल, लोग आपके साथ होंगे, आपको अपने कितने लेयर्स रखने आगे बात करने के लिए, अजी सलाम अलैकुम, तबीयत कैसी है, मिजाज ठीक है आपका, फलान, अच्छा जी फलान, कोई इससे ज्यादा करीब रखना उससे कितना खुलना है, उससे ज्यादा करीब रखना कितना खुलना है, रस्ते नहीं बन सके क्योंकि हमें पीपल्स मैनेजमेंट नहीं है। और सूरह बकरा की स्टार्टिंग ही तीन साइकोलॉजीज के ऊपर, एक हुदल्लिल मुत्तकीन, एक सवाउन अलैहिम अंजरतम अमलम तुंजरुन ला युमनून, और तीसरी हमने नासे में यकुलु आमना बिललाहि व बिल यौमिल आखिर व हुम बिमुमिनीन। पीपल्स मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सूरह बकरा, गॉड इज टीचिंग यू हाउ टू डील विद पीपल। वो नहीं आया, फैसला आपका है, स्ट्रेटजीज भी आपकी है, मनूवर्स भी आपके, चेंज भी आपका, चेंज मैनेजमेंट भी आपकी है। जो इंसान अपना एहतराम करता है, देखना चाहता है कि सब मेरे साथ हों, जीतना चाहता है लोग मेरे साथ हों, रिश्तेदार मेरे घर में हों, वो अपनी बीवी से ये कहने की जुरत कर सकता है कि हमें अपना जर्फ बड़ा करना है लोगों को करने के लिए, क्योंकि पंजाबी की मिसाल है, जिथे दो बर्तन होंदे ने पुत्र वो हमेशा खड़कते हैं वहां पर। तो इंसान दो कहीं पर भी होंगे, मियां बीवी होंगे, वो रिश्ता आपस में जरूर टकराएगा। ये इंसान की अपनी तरबियत, तस्किया, मुहासबा, मुजाहदा तो नफ्स होता है जो इंसान को लोगों के साथ जलन कराता है, उनके साथ चढ़ाता है फिर उनको उठाता है, एक नीचे जाएगा उसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेंगे वो निकल जाएगा, वो पकड़ेंगे वो निकल जाएगा। इसलिए तो हर नबी, माजी में एवरी प्रॉफिट वॉज राल गनम, वॉज अ शेपर्ड। अगर आप ये नहीं जानते लॉग फाइल, सीरतें, बायोग्राफीज, ये जिंदगी कैसे बनाएंगे, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं ये कैसे यूं बन जाएगी, ये इतने केयरलेस मिजाज में लाइफ कैसे बन जाएगी, उस्तादों का लोटा उठाए हुए कैसे लाइफ बन जाएगी। खुद करना है फाइन, हाँ, माई वे और द हाईवे अगर वाला कॉन्सेप्ट है फाइन, यू विल बी देयर, आप पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे ना सर, वसाइल नहीं होंगे आपके पास। बहुत से लोग आप पर यकीन नहीं रखते होंगे, बहुत से लोगों के आपने दिल दिखा दिए होंगे, बहुत से लोगों के आगे आपने इमेच्योर एटीट्यूड दिखाया हुआ होगा, बहुत से लोगों ने को आपने अपना डंगरपन दिखा दिया होगा, बहुत से लोगों को आपने नाराज कर दिया होगा, बहुत से लोगों को आपने अंदर की अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखा दी होंगी, बहुत से लोगों को आपने अपनी बेदीनी दिखा दी होगी, बहुत से लोगों को आपने बहुत ज्यादा दीनदारी दिखा दी होगी, बहुत से लोगों को आपने बहुत सियासी एंड दिखा दिया होगा, बहुत से लोगों को आपने बड़ा एक चंड किस्म का एटीट्यूड दिखा दिया होगा, बहुत से लोगों को आपने बहुत कंजूसी दिखा दी होगी, बहुत से लोगों को बहुत संजीदगियां दिखा दी होंगी, बहुत से लोगों को बहुत मिजाक और तमस्खुर, एक गैर संजीदा नॉन सीरियस एलिमेंट दिखा दिया होगा, बहुत से लोगों को आपने एक अपना नॉन स्ट्रेटेजिक एंड दिखा दिया होगा, बहुत से लोगों को आपने इतनी प्लानिंग 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 कर दी होगी और डिसीजंस और इनिशिएटिव्स नहीं लेके बता दिया होगा कि ये फैसले कर ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर, बहुत से लोगों को आपने गलत फैसले दिखा दिए होंगे और बहुत से लोगों को आपने बेफजूल फैसले दिखा दिए और बहुत से लोगों को आपने बहुत ज्यादा फैसले बता दिए होंगे, कुछ न्यू कमर्स को कुछ ज्यादा नॉलेज दे दी होगी और कुछ लेट कमर्स को आपने पोजिशन नहीं दी हुई होंगी और कुछ लेट कमर्स को आपने स्टाफिंग और दूसरे रोल से नहीं गुजारा हुआ होगा, बहुत से लोगों में रोब नहीं डाला होगा, बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं दी होगी, बहुत से लोगों में एमी फजूल की नेगेटिविटी डाल दी होगी, बहुत से पॉजिटिव को बहुत नेगेटिव और बहुत से नेगेटिव को बहुत पॉजिटिव कर दिया होगा, पॉजिटिविटी को आपने ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर दिया होगा,
कुछ ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही उठा के फेंक दिया होगा और उसको हार्नेस नहीं किया होगा, और कुछ डाउन द लेन डाउन ट्रॉडर्स को आप उनका जज्बा नहीं उठा सके होंगे, बिकॉज यू मिसकैलकुलेटेड लाइफ, क्योंकि हमने जिंदगी को सही नहीं जांचा, क्योंकि हमने म्यारों को सही नहीं जांचा, क्योंकि हमने जज्बातों को सही नहीं जांचा, क्योंकि हमने मिजाजों को सही नहीं जांचा, क्योंकि हमने शरा वजा कता को सही नहीं जांचा। और उसके बाद जब जिंदगी हाथों से निकली तो काश अगर मगर ही रह गया इंसान के पास, और अल्लाह के भी अल्लाह को भी नहीं समझा हमने कि कैसे कम मिन फियत इन कलीलत इन से गलबत फियत इन कसीरा स्टैब्लिश होता है, कि कितने ही कम लोग होते हैं गिनती के अंदर, अल्लाह कहता है मगर वो बड़े बड़े नजरियात पर गालिब हो गए, वो बड़ी बड़ी रिसर्च पे गालिब हो गए, वो बड़े बड़े ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन पे गालिब हो गए। हाउ हाउ डिड इट हैपन, कैसे हो सकता है अगर इट्स ऑल अबाउट मैथ साइंस एंड फिजिक्स एंड देयर आर नो मेटाफिजिक्स इन लाइफ, और अगर सिर्फ मेटाफिजिक्स ही हैं, सिर्फ दुआएं करनी हैं और आपने ग्राउंड रियलिटीज पे काम नहीं करना, वर्ल्ड नहीं सीखना, साइंस नहीं सीखनी, यू डोंट वांट टू नो द फिजिक्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ यू गोना ब्रिंग दैट रेवोल्यूशन इन ह्यूमंस लाइफ, कैसे वो इंकलाब एक जिंदगी में आ सकता है जिसमें ये दोनों का इम्तिजाज और ब्लेंड नहीं होगा। और ये कब शुरू करना है, कब सीखना है ये हमने जिंदगी को, 4,000 करोड़ के आदमी के सामने 400 रुपए जेब में बैठ के कैसे कन्विंस करेंगे आप उसको कि मैं काम का शख्स हूं, कैसे आप कायल करेंगे कि मुझे ले ताकि बहुत से आपके आगे रास्ते खुलें, कैसे एडमिशन होगा दीवार के उस पार आपका जहां आगे से कुछ लॉग फाइल्स मिलनी है आपको, कैसे एक इंसान जान सकता है वाकई बड़े सिस्टम्स कैसे चल सकते हैं जब शुरू में आज ही नहीं अपनाई दी होगी, जब शुरू के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपने वो ज्यादा ऑब्सेशन दिखा दिया तो भी लोग दूर हो जाएंगे, और बिल्कुल ही किसी किस्म का आपने लगाव नहीं दिखाया तब भी लोग कहेंगे इसमें पैशन और फ्लेयर ही नहीं है, ये मैनेज कैसे करना सीखेगा इंसान ग्राउंड के ऊपर, कैसे कायल करेगा। पंजाबियों से बात करनी नहीं आती, अगर उन्हें कराची वालों के नाल गल करना नहीं आती, उसे पठानों और पश्तूनों को हैंडल करना नहीं आता, उसे फौजियों को हैंडल नहीं करना आता, उसे पीएचडी डॉक्टरेट्स को हैंडल करना नहीं आता, वो उनके जार्गन्स और टर्मिनोलॉजी में बात नहीं कर सकता, उसे पाकिस्तान के ड्रेस कोड्स की हैसियत नहीं पता, उसे डाइवर्सिटी और वर्सेटिलिटी नहीं पता। कब सीखेंगे हम ये, अगर आप टैलेंट इलाके बरादरियां देख के पैदा नहीं होता बच्चों, इट्स एनीवेयर इन द प्लैनेट, कैसे कायल करेंगे हम लोगों, कैसे किल्लत में कायल करेंगे कि मैं कसरत खड़ी कर सकता हूं। हाउ आर यू गोना कन्विंस द वर्ल्ड आई एम द मैन, साथ दें आप मेरा, और अगर नहीं हो सका और नहीं करना तो फाइन, जिंदगी जीने का नाम है यारो, मरना सबने, कुल्लू नफ्स ज़ायक़ुल्मौत, लिव एन ऑनरेबल लाइफ मैन, लाइफ विद अ कोड विद अ विजन, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, consistency, certainty, nail it hard, grind it hard. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.